की रसोई में स्वागत है। और आपका स्वतंत्रता दिवस आ गया 15 अगस्त, तो आज मैंने कुछ बनाया है 15 अगस्त के लिए। तो पहले मैं अपने सभी मित्रों को और अपने सभी रिश्तेदारों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक कौन सी डिश बना रही हूँ। देखिए, मैं तिरंगा ढोकला और तिरंगी चटनी बनाने जा रही हूँ, तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और चलिए चलते हैं। और ये देखिए, मैंने क्या किया है कि ये इसमें ये भर के मैंने 2 कप सूजी ले लिया था। सूजी देखिए ये है, जैसी भी सूजी है, उसको मोटी पतली जो हो वो आप ले लीजिए। इसको मैंने 2 कप डाल दिया, और इसमें इसका हमने आधा कप जो है इसका दही डाला हुआ है इसमें। और दही डालने के बाद मैंने इसको बस, और कुछ नहीं डाला इसमें, और इसको मैंने केवल ऐसे आधा घंटे के लिए रख दिया है। तो ये सूजी देखिए बिल्कुल फूल गई है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, हल्का सा सॉल्ट इसके अंदर डालूँगी। सॉल्ट डाल के थोड़ा सा इसको फेंक दूँगी। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन मैं तिरंगा ढोकला बना रही हूँ, इसलिए तिरंगा ढोकला बनाने के लिए हमको क्या करना है कि इधर मैंने देखिए क्या क्या लिया है। ये मैंने हरा धनिया पीस कर लिया हुआ है इसमें। ये हरे धनिया का इस्तेमाल किया हरे रंग की जगह, और ऑरेंज की जगह मैंने ये गाजर का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। और वाइट की जगह मैंने, वाइट तो ये अपने आप में है ही है, और वैसे ये नारियल है, जो ताज़ा नारियल है उसको मैंने पीस के रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको 3 भागों में डिवाइड करूँगी इसको। तो 3 भागों में डिवाइड करने के लिए मैं इसको आप 3 बाउल में रखूँगी। कुकर ले लिया है, हम कुकर में ही बनाएंगे। और मैंने इसमें पानी डाल दिया है और एक प्लेट डाल दिया है। और आप पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप एक वो भी डाल सकते हैं, गोल कटोरी भी रख सकते हैं। और मैंने इसमें नींबू का टुकड़ा भी डाला हुआ है, जिससे ये हमारा कुकर एकदम साफ धुल जाएगा। ये भी मेरी एक टिप है। अब इसके लिए क्या करूँगी मैं, ये देखिए पूरा है, तो इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करूँगी। तो वाइट ये मैंने की निकाला हुआ है, बेकिंग सोडा भी डालूंगी, इनो का इस्तेमाल भी करूंगी, लेकिन पिंच देखिए, एक पिंच इसमें डाला मैंने, जो बहुत सॉफ्ट बनता है, एक पिंच इसमें डाला है, और देखिए एक पिंच इसमें डाला है। ये वाइट हमने रख रखा है। और अब इसको पहले मिक्स करते हैं, और इसको भी मिक्स करते हैं, और इसको भी मिक्स करते हैं। ये मैं इसमें, ये मेरी गाजर है जो मैंने पीसा हुआ है इसको, तो मैंने इसको, मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे ये फ़ायदेमंद भी होती है और हेल्दी भी होती है। और इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। देखिए पहले मैं सब मिक्स कर दूँगी, फिर मैं कंसिस्टेंसी देखूँगी। धनिया का बनाया है तो ये मैं हरे धनिया को, इसमें आप इसको पालक का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया का इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें धनिया डाल रहा हूँ। तो इसको भी देखिए ग्रीन कलर आ गया, इतना बढ़िया। इसको भी मिक्स कर रहे हैं। वाइट है तो वाइट ही रखेंगे इसको हम। और ये मैंने देखिए इसमें ग्रीस लगा दिया, ये घी लगा दिया है, इसमें ऑयल लगा दिया, ये इस तरह से कंटेनर में। तो अब मैं देखिए किस तरह से बनाऊँगी, और इसके अंदर मैं अब इनो डालूँगी। तो और आधा इसमें डाल देंगे, तो देखिए इनो डालने से फेंक दूँगी। और वाइट वाले में भी मुझे इनो डालना है, तो वाइट वाले में भी आधा आधा चम्मच डालिए बस। एक पाउच में 2 पतला हो गया, ये फूलने लगा ना, और हमको इसकी कंसिस्टेंसी और पतला नहीं रखना है, ये बिल्कुल सही है। अब मैंने जो कंटेनर में अपना ये लगाया था, ये देखिए, तो मैं इसमें क्या करूँगी कि सबसे पहले इधर डालूँगी इसमें, वाइट इधर मैं डालूँगी, ग्रीन
हमने तीनों कलर कर लिए इसको थोड़ा टैप कर देंगे जिससे कि इसके बीच में एयर ना रहे। ये देखिए इसको थोड़ा टैप कर देते हैं। और मैं इसको इसके अंदर कुकर में रख दूंगी और 20 मिनट के लिए मैं इसमें रखूंगी और ये ढक्कन लगा दूंगी, इसकी विशेल हटा दूंगी और ये हमारा तिरंगा टोकला तैयार होगा। कट हो चुका है, देखिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है तिरंगा हमारा टोकला सूजी का। और हमने इसको ऐसे टूथपिक डाल के देखा है, देखिए बिल्कुल साफ निकल रही है, चाहे जिधर से भी आप देख लीजिए जिधर से भी देख लीजिए ये। और अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी और निकालने के बाद ये ठंडा हो जाएगा तब निकालूंगी, नहीं तो ढोकला जो है ये आपका टूट जाएगा, तो इसको हमें पहले ठंडा करना होगा। तो हम इसको निकाल के और इसको पहले ठंडा करेंगे। ये ढोकला मेरा तिरंगा ढोकला सूजी का तिरंगा ढोकला बन के तैयार है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए कितना सॉफ्ट है ये। और इधर मैंने तीन तरह की चटनी भी बनाई है, वो आप पूछेंगे चटनी कैसे बनाई है, तो ये देखिए ये टमाटर की चटनी है, टमाटर अदरक लहसुन नमक हरी मिर्च डाल के ये मैंने पीसी है। ये कोकोनट चटनी नारियल की चटनी है और ये ग्रीन चटनी हरे धनिया की चटनी है जो आप सभी लोग पीसते होंगे, हरी मिर्च टमाटर और मिर्ची डाल के और लहसुन डालना हो डालिए मत डालिए, तो इस तरह की तीनों चटनी बनी हुई है। और अब आपने देखा कि अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं इसमें छौंका लगाऊंगी जैसे हम लोग ढोकले में लगाते हैं। तो कड़ी पत्ता है, राई है और लाल मिर्च है और हरी मिर्च है, तो इधर मैंने पैन रखा है तो इसमें मैं इसको डाल के, तो पहले मैं इसमें राई डाल दूँगी, प्रकार ये ढोकला है उसको मैं कट कर रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है। तो अभी क्योंकि इस पर हम अपने अकॉर्डिंग आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर सकते हैं, देखिए हो गया। और जो मैंने छौंका तैयार किया था वो इसके ऊपर देखिए, हल्का भी मार दिया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए छू के दिखा रही हूँ, देखिए ये तिरंगा, ये देखिए तिरंगा ढोकला, ये देखिए हर तरह से तिरंगा ढोकला तैयार है। और इसको बनाइए और देखिए इसके साथ आपकी सब्जी भी चली जाएगी, गाजर चली जाएगी, हेल्दी डिश हो जाएगी, सूजी भी डाइजेस्ट हो जाती है आराम से। और इधर मैंने धनिया का इस्तेमाल किया, पालक का भी कर सकते हैं इसको, तो इसको आप इसको इसी तरह से बनाइए और बच्चों को तिरंगा देख के खाएँगे भी, पसंद भी आएगा आपको। और इसी तरह से मैंने अपने कुछ वीडियो इडली के भी डाले हैं, उसमें भी तीन रंग की इडली बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एक मैंने तिरंगा पुलाव भी बनाया है, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा कि वो मैंने तिरंगी इडली किस स्टाइल से बनाई हुई है। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच जाए। और कमेंट दीजिएगा कि आपको डिश कैसी लगी है। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।